नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, WhatsApp तो हम सभी लोग यूज करते हैं, मगर उनकी फीचर के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि WhatsApp चैट को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, कैसे उसे अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल वाला आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, WhatsApp चैट को कस्टमाइज करने के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन में WhatsApp को ओपन कीजिएगा। WhatsApp ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना होगा इस थ्री डॉट पे, तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। थ्री डॉट पे आ जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स का, तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चैट्स का फीचर मिलता है, तो इसे आप क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे अपने WhatsApp चैट को कस्टमाइज करने के लिए आपको बहुत सारे फीचर मिलते हैं, तो एक एक करके सीखेंगे इन सारे फीचर के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है थीम का। दोस्तों, ये फीचर WhatsApp में नया नया आया है, अगर आपके फ़ोन में ये फीचर नहीं शो कर रहा है तो आप अपने WhatsApp को अपडेट कर लीजिए, आप में फिर ज़रूर शो करेगा। आप इस थीम को अप्लाई करके अपने WhatsApp को डार्क मोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे थीम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, लाइट और डार्क। तो यहाँ पे डार्क पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देने से आपके WhatsApp डार्क मोड में हो जाता है। अगर आप WhatsApp में नाइट में चैटिंग करने के शौकीन हैं तो इसे आप जरूर इनेबल कीजिएगा, इससे आपकी आंखों पे लाइट का बहुत कम इफेक्ट पड़ेगा। तो इसे हम दोबारा लाइट मोड में करते हैं और आगे की सेटिंग के बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे आपको अगला ऑप्शन मिलता है वॉलपेपर का। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सॉलिड कलर का, तो यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे सॉलिड कलर मिल जाते हैं। यहाँ पे आप इनमें से कोई भी कलर अपने WhatsApp को बैकग्राउंड के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं इस कलर पे क्लिक करता हूँ तो आपके WhatsApp के बैकग्राउंड कुछ इस तरह से दिखेगा। और यहाँ पे कैंसिल करके यहाँ पे आप बहुत सारे कलर को सेट कर सकते हैं, आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप उसे सेट कर सकते हैं। इस कलर को सेट करने के लिए यहाँ पे सेट पे क्लिक कर देने से आपके बैकग्राउंड इस तरह का सेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपको दिखला देता हूँ, यहाँ पे जब भी आप चैट करिएगा तो आपको इस तरह का बैकग्राउंड मिलेगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है गैलरी का, तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी फ़ोटो को भी WhatsApp बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है नो वॉलपेपर का, तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी फ़ोटो को या फिर सॉलिड कलर जो भी सेट किए हो बैकग्राउंड में, आप उसे हटा सकते हैं यहाँ पे नो वॉलपेपर पे क्लिक करके। दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है इंटर इज सेंड, तो यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट रूप से ऑफ रहता है। इसे ऑन कर देने से होगा ये कि जब भी आप WhatsApp में चैट करेंगे और अपने कीबोर्ड के इंटर बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी मैसेज सेंड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम किसी चैट को ओपन करके आपको दिखलाते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे इस चैट को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम कुछ टाइप करते हैं, हाय यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहले इंटर का सिंबल मिलता था, लेकिन अब आप यहाँ पे क्लिक करके अपने मैसेज को सेंड कर सकते हैं और अपने टाइपिंग स्पीड को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है मीडिया विजिबिलिटी। तो दोस्तों, ये डिफ़ॉल्ट रूप से ऑन रहता है, इसे ऑफ कर देने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके WhatsApp में जितने भी फ़ोटो या फिर वीडियो आएंगे तो ये फ़ोटो या फिर वीडियो आपकी गैलरी में सेव नहीं होंगे, आपकी फाइल मैनेजर में सेव नहीं होंगे, आपको सिर्फ WhatsApp में ही दिखाई देंगे। इससे आपको एक फ़ायदा होगा कि आपका स्टोरेज भी काफ़ी बच जाएगी। साथ ही आप इसे किसी ग्रुप या फिर कस्टम चैट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखलाता हूँ कि आप किसी ग्रुप या किसी कस्टम चैट के लिए इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चैट है और यहाँ पे इसे अप्लाई करने के लिए आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे ऊपर में। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है मीडिया विजिबिलिटी, तो डिफ़ॉल्ट रूप से ये यस रहता है। आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर देने से होगा फ़ायदा ये कि आपकी फ़ोटो या फिर वीडियो आपकी गैलरी में शो नहीं होंगी, आपकी WhatsApp में ही रहेंगी। इसके बाद अगला ऑप्शन है फ़ॉन्ट साइज, तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। यहाँ पे आप अपने अनुसार से सेट कर लीजिएगा कि आप बहुत ज़्यादा छोटा फ़ॉन्ट साइज रखना चाहते हैं, मतलब कि स्मॉल रखना चाहते हैं या फिर मीडियम या फिर लार्ज रखना चाहते हैं। अगर आप लार्ज पे क्लिक करते हैं तो आपकी फ़ॉन्ट साइज काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाएंगी और WhatsApp की सभी सेटिंग में कस्टमाइज हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ऐप लैंग्वेज का। तो दोस्तों, कई बार लोग अपने WhatsApp को अपने मातृभाषा में चलाना चाहते हैं या फिर अपने लोकल लैंग्वेज में चलाना चाहते हैं, तो ये उन लोगों के लिए है जो WhatsApp को अपने मातृभाषा में चलाना चाहते हैं या फिर लोकल लैंग्वेज में चलाना चाहते हैं, वो यहाँ से अपनी भाषा को सेट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हिंदी पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे देखिए सारी सेटिंग हिंदी में हो गई है। वापस हम इसे इंग्लिश में क्लिक कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला ऑप्शन है चैट बैकअप। तो यहाँ से आप अपने WhatsApp को बैकअप ले सकते हैं। बैकअप लेने से पहले एक बात को आपको ध्यान रख रहा होगा कि यहाँ पे आपको Google का Gmail अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आपको डालना होगा अपना Gmail ID और यहाँ पे अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे साइन इन करना होगा। तो गूगल ड्राइव पे बैकअप लेने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करना होगा कि आप अपने गूगल ड्राइव को कब कब बैकअप ले सकते हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रूप से नेवर सिलेक्ट रहता है, मतलब कि आपके ड्राइव पे कभी भी बैकअप डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं होता है, ऑटोमेटिकली बैकअप नहीं होता है। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, ओनली व्हेन आई टैप बैकअप, मतलब कि जब हम इसे क्लिक करूँ तभी बैकअप हो, या फिर डेली वीकली मंथली के हिसाब से आप अपने बैकअप को सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है बैकअप ओवर का, तो डिफ़ॉल्ट रूप से यहाँ पे वाईफाई सिलेक्ट रहता है। तो यहाँ पे मतलब ये होता है कि आप अपने व्हाट्सएप का बैकअप कैसे लेंगे, वाईफाई के थ्रू या फिर वाईफाई और सेलुलर नेटवर्क के थ्रू। तो यदि आपके पास वाईफाई नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा वाईफाई और सेलुलर पे। इसके बाद यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन है इंक्लूडिंग वीडियो, तो यहाँ पे क्लिक कर देने से जब भी आपकी गूगल ड्राइव पे बैकअप होगी तो साथ में आपकी वीडियो भी गूगल ड्राइव पे बैकअप हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे अंतिम ऑप्शन है चैट हिस्ट्री का, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट चैट का, मतलब कि आप अपने चैट को किसी व्यक्ति के पास सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्सपोर्ट चैट पे क्लिक करके आप अपने दोस्तों को यहाँ से अपने चैट को सेंड कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है क्लियर ऑल चैट का, मतलब कि यहाँ से आप अपने चैट को पूरे क्लियर कर सकते हैं, अपने चैट को ख़त्म कर सकते हैं। और अगला और अंतिम ऑप्शन है डिलीट ऑल चैट, तो यहाँ पे क्लिक करके अपने सारे चैट को आप डिलीट कर सकते हैं एक ही बार में अपने फ़ोन से। तो दोस्तों ये थी व्हाट्सएप चैट की कुछ ज़रूरी सेटिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके काम की होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में। और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पे लेके आते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।